एक निःसंतान दंपति जो बच्चा चाहते थे। वे दीवारों से घिरे एक ऐसे बगीचे के बगल में रहते थे जो एक जादूगरनी का था। पत्नी ने अपनी बहुप्रतीक्षित बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते गर्भावस्था के परिणाम स्वरूप बगीचे में उगने वाले एक रपंजिल के पौधे को देखा और उसे खाने के लिए अत्यधिक लालायित हो गई। लगातार दो रात अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरा करने के इरादे से दीवार फांद कर वह बाग में घुसा और उसे चुपके से ले आया। लेकिन तीसरी रात जब वह घर लौटने के लिए दीवार पर चढ़ा तो डेम गोथिल नामक उस जादूगरनी ने उसे जा दबोचा और उस पर चोरी का आरोप लगाया। उसने दया की भीख मांगी। वह बुढ़िया मान गई लेकिन इस शर्त पर मानी कि वह पेट में पल रहे बच्चे को जन्म देने के बाद उसे सौंप देगी। लाचार पति सहमत हो गया। जब बेटी पैदा हुई तो जादूगरनी उसे ले गई और उसका नाम रपंजिल रखते हुए अभिभावक के रूप में उसका पालन पोषण किया। जब रपंजिल की उम्र 12 साल की थी जादूगरनी ने उसे सबकी नजरों से दूर जंगल के एक ऐसी मीनार में बंद कर दिया जिस पर चढ़ने के लिए न तो सीढ़ियां थी और न ही अंदर घुसने के लिए कोई दरवाजा। उसमें सिर्फ एक कमरा और एक खिड़की थी। जब जादूगरनी रपंजिल से मिलने जाती थी तो वह मीनार के नीचे खड़ी हो जाती थी और उसे यह कहकर बुलाती थी, रपंजिल रपंजिल अपने बाल नीचे बिछाओ ताकि मैं सुनहरी सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। इन शब्दों को सुनने पर रपंजिल खिड़की की बगल में टंगी एक खूंटी से अपने लंबे सुनहरे बाल लपेटकर उन्हें जादूगरनी के पास नीचे लटका देती थी जो उन बालों के सहारे चढ़कर रपंजिल के पास मीनार के कमरे में पहुंच जाती थी। एक दिन घोड़े पर सवार एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था और उसने मीनार में गाती हुई रपंजिल को सुना। उसकी अलौकिक आवाज से सम्मोहित होकर वह युवती की तलाश में निकला और मीनार को पाया, लेकिन वह उसमें प्रवेश करने में असमर्थ था। बाद में वह अक्सर वहां आने लगा, उसका मधुर गायन सुनने लगा और एक दिन उसने डेम गोथिल को वहां पर देखा और इस प्रकार रपंजिल तक पहुंच हासिल करने का तरीका जान गया। जब डेम गोथिल चली गई तो उसने रपंजिल से अपने बाल नीचे लटकाने का अनुरोध किया, आग्रह किया। जब उसने ऐसा किया तो वह चढ़कर ऊपर पहुंच गया, उससे परिचय बढ़ाया और अंत में उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रपंजिल इस पर सहमत हो गई। दोनों ने साथ मिलकर भागने की योजना बनाई। इससे पहले कि योजना सफल हो रपंजिल की मूर्खता से राजकुमार पकड़ा गया। अब मूर्खता क्या थी कि एक दिन भूलकर वह जादूगरनी से पूछ बैठी कि वह राजकुमार को जितनी आसानी से ऊपर खींच पाती है उतनी आसानी से उसे अर्थात जादूगरनी को क्यों नहीं खींच पाती। अंडा फोड़ हो गया। जादूगरनी आग बगुला, क्रोध में डेम गोथिल रपंजिल के बालों की लटें काट डालती है और उसे बाहर घने जंगल में स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए भेज देती है। जब उस रात राजकुमार वहां पहुंचकर उसे पुकारता है तो जादूगरनी उसे ऊपर चढ़ने के लिए कटी हुई चोटी को नीचे लटका देती है। रपंजिल की जगह
जादूगरनी को अपने सामने पाकर राजकुमार भयभीत हो जाता है। तब वह गुस्से में उससे कहती है कि वह फिर कभी रपंजेल से नहीं मिल पाएगा। वह मीनार से कूद पड़ता है और नीचे बिछे कांटों से अंधा हो जाता है। वह इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन जब रपंजेल पानी भरते हुए गाना गाती है तो राजकुमार रपंजेल की आवाज़ को दोबारा सुनता है और उन दोनों का मिलन हो जाता है। जब वे एक दूसरे की बाहों में लिपटते हैं तो रपंजेल के आंसुओं से राजकुमार की दृष्टि उसे वापस मिल जाती है। यह कहा जाता है कि रपंजेल ने अंततः दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। राजकुमार उसे अपने राज्य ले जाता है जहां वे खुशी से जीवन बिताते हैं। कहानी का मूल 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास फिरदौसी द्वारा लिखित शाहनामा नामक प्राचीन ईरानी पुस्तक से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।